हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज फिश बना रही हूँ। आज मेरे घर गेस्ट आए हैं, इसलिए घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम लोगों के घर फिश या फिर चिकन यही बनता है। उनके वेलकम के लिए यही बनाना ही पड़ता है हम लोगों को। और बताइए आप लोग कैसे हैं। ये देखिए मैडम को, इनको मैंने फिश क्या ना फ्राई करके दिया तभी खाए। इनको फ्राई फिश ही अच्छा लगता है, नहीं तो फिश कोई छूती भी नहीं है जल्दी। फ्राई करके देंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि मुझे फ्राई फिश बहुत अच्छा लगता है। फिश का मसाला जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से इसको भूनेंगे, उतना ही अच्छा होता है। टाइम तो बहुत लगता है लेकिन तभी अच्छा बनता है। फिश में मैं मटर भी डाल रही हूँ। अभी इस सूदे में मटर तो नहीं है लेकिन फ्रोजन मटर मैं लेके आई थी, मैं वही डाल। एक बार आप लोग मटर डाल के जरूर बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सब्जियों में तो और भी अच्छा लगता है। हमारे घर में मटर डाल के सबको पसंद है, मतलब सब कोई बहुत अच्छे से खाता है। मसाला जब हम लोग भून रहे हैं तभी हमें मटर उसमें डाल देना चाहिए ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। क्या अच्छे से भून जाता है और मसाले को एकदम अच्छे, जब तक उसको तेल ना छोड़े तब तक हमें उसे अच्छे से फ्राई करना चाहिए, अच्छे से भूनना चाहिए, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डुगू देखिए अपनी मस्ती में लगा हुआ है। डुगू हेलो बोलो। आज हॉलीडे है तो देखिए बच्चे घर में क्या क्या कर रहे हैं, पेंटिंग में लगे हुए हैं। मम्मी भी अपने काम में है। मम्मी को मेरी खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, उन्हें बस कोई ना कोई काम दे दो बस करती रहती है। साथ में मैं अपना थोड़ा बहुत काम भी निपटा रही हूँ, बर्तन भी, साथ में मेरा मसाला भी भून रहा है, साथ में मेरा ये भी काम हो रहा है, बस बंद कर दो। मेरा मसाला रेडी हो गया है, अब मैं उसमें फिश डालने जा रही हूँ। फिश डालने के बाद पानी डालना है, उसके बाद ख़त्म, बन के तैयार। मुझे पहले फिश बनाने नहीं आता था लेकिन अब धीरे धीरे मैं बनाना सीख गई, क्योंकि मैं जब भी बनाती थी मछली को मैं हमेशा तोड़ देती थी, पूरा उसमें मछली टूट जाता था, लेकिन अब नहीं टूटता है। अब उसको चलाना भी सीख गई हूँ धीरे धीरे, मतलब सब कुछ आ गया। अब देखिए मेरा फिश कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। देखिए मेरी इसी ने ड्राइंग बना भी लिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके चलो बंद करो, रख दो। फिश में पानी डालते समय इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर फिश टूट जाता है। मैंने जिस तरह डाला है ऊपर ऊपर दिखता हुआ, इसी तरह से पानी डालना चाहिए ताकि फिश अच्छे से पकती जाए और टूटे भी ना। उसके बाद फिश में धनिया डाल के गार्निश करना है, उसके बाद खत्म। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।